कि भारतीय जनता पार्टी एक गुंडे को, एक दंगई को, एक लफंगे को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने को तैयार है। और ये तो होना ही था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खुद एक गुंडों की पार्टी है, दंगइयों की पार्टी है, हिंसकों की पार्टी है। तो जब कोई गुंडा पकड़ा जाता है, जब कोई दंगई पकड़ा जाता है, जब कोई उनका लफंगई करने वाला पकड़ा जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी सरकारी तंत्र ऊपर से नीचे तक लगा देती है, गैर कानूनी रूप से लगा देती है कि वो अपने एक गुंडे बदमाश दंगई को बचा सके। आज जो दिल्ली पुलिस ने, जो हरियाणा पुलिस ने, जो भारतीय जनता पार्टी ने तेजिंदर बग्गा जी को बचाने के लिए जो गैर कानूनी कार्यवाही करी है, उससे भारतीय जनता पार्टी का असली स्वरूप पूरे देश के सामने आ गया है कि गुंडागर्दी, लफंगई, हिंसा, दंगे करने वालों को बचाना भारतीय जनता पार्टी का धर्म है, और गुंडों को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है। पंजाब सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में इस मामले की दलील रख दी है। देखिए आप ये भी याद रखिए कि ये जो तेजिंदर बग्गा वाला मामला है, तेजिंदर बग्गा की समन्स को क्वॉश करने के लिए वो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट गए थे। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ऑलरेडी तेजिंदर बग्गा की प्ली को खारिज कर चुका है और उसने कहा है कि पंजाब पुलिस के समन्स को हम नहीं क्वॉश करेंगे। उसके बाद पंजाब पुलिस ने तेजिंदर बग्गा के लिए अरेस्ट वारंट इशू किया है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि पूरी कानूनी प्रक्रिया के बाद ये अरेस्ट हुआ है और पंजाब पुलिस ऑलरेडी पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट में ये मामला लेकर जा चुकी है। देखिए अभी ये मामला हाई कोर्ट में चला गया है तो इसलिए सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दूसरी बात, अगर किडनैपिंग के मुकदमे में थोड़ा भी दम होता तो दिल्ली पुलिस से तेजिंदर बग्गा को क्यों वापस लेके आ रही है, उसके साथ उनके साथ पंजाब पुलिस को भी लेकर आते। लेकिन ये जो पूरी प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी, लफंगई, दंगइयों की जो बचाने की प्रक्रिया है, ये 100% गैर कानूनी तरीके से हो रही है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली पुलिस को, हरियाणा पुलिस को इस्तेमाल करके अपने गुंडों को, दंगइयों को बचा रही है। पंजाब पुलिस ने ड्यू प्रोसेस फॉलो करके तेजिंदर बग्गा जी को अरेस्ट किया। उनको 5 बार समन भेजा गया एक मामले में। 5 बार समन भेजने के बावजूद भी वो जब नहीं अपियर हुए, उसके बाद एक अरेस्ट वारंट इशू हुआ। और उस अरेस्ट वारंट के तहत सबसे पहले दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से पंजाब पुलिस को कल शाम से बंधक बना के रखा। दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म करना होता है पंजाब पुलिस ने, जो उन्होंने किया। पंजाब पुलिस ने पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया, लेकिन भाजपा के नेतृत्व में दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस ने बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से एक्शंस लिए हैं। और देखिए इसमें कोई नई बात नहीं है, वैसे भी भारतीय जनता पार्टी वेंडेटा पॉलिटिक्स पर सवाल उठाए ये थोड़ी सी हास्यास्पद बात लगती है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने अरविंद केजरीवाल जी पर, मनीष सिसोदिया जी पर, सत्येंद्र जैन जी के घर CBI रेड कराई, ED रेड कराई, इनकम टैक्स की रेड कराई। आम आदमी पार्टी के तो पता नहीं कितने विधायकों पर उन्होंने केस किए, वो तो लिस्ट भी अब इतनी लंबी हो गई है कि इंसान को याद नहीं रहती। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो हमारे विधायक दिनेश मोहनिया जी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में से उठा के लेके गई थी, एक ऐसे मामले में जिसमें दिनेश मोहनिया जी के खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं मिला, उन्हें बरी किया गया। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो जेम्स बॉन्ड की तरह फ्लाइट लेके अहमदाबाद गई थी हमारे विधायक गुलाब सिंह को अरेस्ट करने के लिए, और उस मामले में भी गुलाब सिंह को बाइज्जत बरी किया गया। तो ये हास्यास्पद है
कि भारतीय जनता पार्टी इस बात पर आज सवाल उठा रही है, जबकि पंजाब पुलिस पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन कर रही है और दिल्ली और हरियाणा पुलिस है जो गैर कानूनी तरीके से एक्शंस कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के पिछले टेन्योर में 2015 और 2020 में 67 में से 52 विधायकों पे केस किए थे और उस केस में आज तक जो भी मामला कोर्ट के सामने आया है जिस पर स्टे नहीं लगी, चार्जशीट किसी मामले में नहीं हुई, जो भी मामला कोर्ट में आया है उसमें हर मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक बाइज्जत बरी हुए हैं। कल ही सत्येंद्र जैन जी के खिलाफ 4 साल के बाद उनको बार बार हैरेस करने के बाद, क्वेश्चन करने के बाद, उनके घर को, उनके ऑफिस को, उनके परिवार वालों के बिजनेसेस को रेड करने के बाद 4 साल बाद सीबीआई ने कहा है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी की यह समस्या है कि वो खुद बदले की राजनीति करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की यह समस्या है कि वो खुद वेंडेटा पॉलिटिक्स करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की यह समस्या है कि वो आज तक इस बात को पचा नहीं पाए हैं कि दिल्ली में 2 बार ऐसी करारी हार उनकी हुई है, इसलिए उन्हें लगता है कि सामने वाले भी ऐसा करते हैं। लेकिन पंजाब पुलिस ने पूरा ड्यू प्रोसेस फॉलो किया है और इसलिए इस मामले को हम हाईकोर्ट भी लेके गए। पिछले कई दिनों से हम बार बार ये मुद्दा देश की जनता के सामने रख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक गुंडों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी लफंगों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के नेता हिंसा करवाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता तोड़फोड़ करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता दंगई हैं, दंगे भड़काते हैं। ये बात ना सिर्फ आम आदमी पार्टी कह रही है, आज पूरे देश की जनता इस बात को कह रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी की इस गुंडागर्दी से परेशान है। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के एक गुंडागर्दी करने वाले, लफंगई करने वाले, हिंसा करने वाले, दंगे भड़काने वाले नेता हैं श्री तेजिंदर बग्गा, जो ये सारी वैल्यूज़ भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी की, दंगों की, लफंगई की, जो भारतीय जनता पार्टी की हैं, उनका साक्षात स्वरूप हैं तेजिंदर बग्गा जी। तेजिंदर बग्गा जी वही नेता हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के परिसर के अंदर घुसकर एक वकील पर हमला किया था कि अगर मैं तेजिंदर बग्गा जी के जो गुंडागर्दी के, हिंसा के, दंगे भड़काने के मामले पढ़ने लगूंगी तो आधा दिन बीत जाएगा। ये वही तेजिंदर बग्गा जी हैं। इसी तेजिंदर बग्गा जी पर पंजाब पुलिस ने एक केस फाइल किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पंजाब का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करी, उन्होंने पंजाब में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की कोशिश करी और इस वजह से पंजाब की पुलिस ने उन पर एक केस दर्ज किया। जो कानून की प्रक्रिया है उस कानून की प्रक्रिया के तहत तेजिंदर बग्गा जी को 5 बार समन भेजा गया कि वो इन्वेस्टिगेशन में शामिल हों, लेकिन तेजिंदर बग्गा जी इन्वेस्टिगेशन में शामिल नहीं हुए। क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन में शामिल नहीं हुए, पंजाब पुलिस ने लीगल प्रोसेस फॉलो करते हुए तेजिंदर बग्गा जी के नाम पर एक अरेस्ट वारंट इशू किया और वो तेजिंदर बग्गा जी को अरेस्ट करने के लिए दिल्ली आए। पूरे लीगल प्रोसेस के अनुसार पंजाब पुलिस ने दिल्ली पुलिस को सूचित किया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने क्या किया? दिल्ली पुलिस तो भारतीय जनता पार्टी के अंडर आती है, वही भारतीय जनता पार्टी जो गुंडों को सम्मानित करती है, वही भारतीय जनता पार्टी जो हिंसकों को माला पहनाती है, वही भारतीय जनता पार्टी जो दंगइयों को टिकट देती है। तो दिल्ली पुलिस का पूरा इस्तेमाल करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने तेजिंदर बग्गा जी की गुंडागर्दी, तेजिंदर बग्गा की दंगई,
तेजिंदर बग्गा की दंगा भड़काने का जो पूरा प्रयास था उससे बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जब पंजाब पुलिस दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए जनकपुरी थाने गई तो उनको गैर कानूनी रूप से बंधक बना लिया गया। पंजाब पुलिस पूरा प्रोसेस फॉलो करके दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म करने जाती है और भारतीय जनता पार्टी की अमित शाह जी की दिल्ली पुलिस एक गुंडे को बचाने के लिए गैर कानूनी तरीके से पंजाब पुलिस को बंधक बना लेती है। आज सुबह पंजाब पुलिस तेजिंदर बग्गा को अरेस्ट करके जब पंजाब में मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होने के लिए अरेस्ट करके लेके जाती है तो फिर से गैर कानूनी रूप से हरियाणा की पुलिस को इस्तेमाल किया जाता है और पंजाब की पुलिस को रोक दिया जाता है। तो ये आज साफ स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी एक गुंडे को, एक दंगई को, एक लफंगे को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने को तैयार है। और ये तो होना ही था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खुद एक गुंडों की पार्टी है, दंगइयों की पार्टी है, हिंसकों की पार्टी है। तो जब कोई गुंडा पकड़ा जाता है, जब कोई दंगई पकड़ा जाता है, जब कोई उनका लफंगई करने वाला पकड़ा जाता है तो भारतीय जनता पार्टी सरकारी तंत्र ऊपर से नीचे तक लगा देती है, गैर कानूनी रूप से लगा देती है कि वो अपने एक गुंडे बदमाश दंगई को बचा सके। आज जो दिल्ली पुलिस ने, जो हरियाणा पुलिस ने, जो भारतीय जनता पार्टी ने तेजिंदर बग्गा जी को बचाने के लिए जो गैर कानूनी कार्यवाही करी है उससे भारतीय जनता पार्टी का असली स्वरूप पूरे देश के सामने आ गया है कि गुंडागर्दी, लफंगई, हिंसा, दंगे करने वालों को बचाना भारतीय जनता पार्टी का धर्म है और गुंडों को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है।